हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 26 सितंबर 2023 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2024 को लेकर, इसके साथ ही आईपीएल की सभी टीमों के रिगार्डिंग दिन भर की जितनी भी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में हमेशा की तरह काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और ये अपडेट निकल कर आ रही है एशियन गेम्स 2023 के रिगार्डिंग, जहां पर एशियन गेम्स 2023 में भारत और श्रीलंका के बीच में हमें कल फाइनल मुकाबला देखने को मिला था। और इस मुकाबले में, यानी कि जो फाइनल मुकाबला भी था, इसमें इंडियन विमेंस टीम ने श्रीलंका की विमेंस टीम को हराने के साथ ही एशियन गेम्स 2023, जिसमें क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था, उसके टाइटल को भी जीत लिया। इसके बाद भारत की टीम के टाइटल जीतने की सारी जो सेलिब्रेशंस की फोटोज हैं वो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो आप लोग भी भारत की जो महिला टीम है उसको कांग्रेचुलेट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट। और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी टूर के रिगार्डिंग, जहां पर वर्ल्ड कप 2023 हम सभी लोगों को भारत में देखने को मिलने वाला है। और इसके लिए ऑलरेडी जो ट्रॉफी का टूर है वो हमें स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है आज ही, और ये पुणे में 1 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में हमें स्टार्ट होता हुआ नजर आने वाला है। तो ऐसे में ये जो टूर है वो अलग अलग सिटीज जाएगा, जहां पर भी जो भी सिटीज हमें वर्ल्ड कप को होस्ट करते हुए नजर आने वाली हैं वहां पर आप लोगों को ये जो पूरी बस है वर्ल्ड कप की और इसकी जो ट्रॉफी का टूर है वो इंडिया में भी अब फाइनली होता हुआ नजर आने वाला है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारी आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की साइड से, जहां पर सीएसके की साइड से अपडेट निकल कर आ रही है इनके रिलीज प्लेयर्स के रिगार्डिंग, जहां पर 3 ऐसे काफी बड़े नाम सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं जिनको चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रिलीज करने वाली है। इन प्लेयर्स के लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हमें नाम देखने को मिलता है बेन स्टोक्स का, जो कि ऑब्वियस सी बात है इस बार वैसे भी आईपीएल में खेलने के लिए नहीं आने वाले हैं। और इसके साथ ही बेन स्टोक्स का जो प्राइस था उसके बाद उनको वैसे भी रिलीज किया ही जाने वाला था। तो ऐसे में बेन स्टोक्स का नाम तो सबसे ऊपर है ही, लेकिन इनके साथ ही हमें नाम देखने को मिलता है महेश दीक्षणा का, जो कि अब मिडिल सेंटर को इनके ऊपर सीएसके की टीम ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। इसके साथ ही हमें नाम यहां पर तुषार देशपांडे का भी देखने को मिल रहा है, जिनको सीएसके की टीम या तो रिलीज करने वाली है या फिर सीएसके की टीम इनको ट्रेड भी कर सकती है, जो कि आगे आने वाली अपडेट्स में हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट, और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है जियो सिनेमा की साइट से, जहां पर ये अपडेट हम सभी लोगों को देखने को मिली है कि जियो सिनेमा अब एक नई एप्लीकेशन को बनाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल भी जियो सिनेमा के ऊपर काफी सारे टूर्नामेंट्स होकर गए हैं, लेकिन काफी सारे लोगों की कंप्लेन थी कि जियो सिनेमा के ऊपर जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो उतना स्मूथ देखने को नहीं मिलता जितना कि हॉटस्टार पर देखने को मिलता था। तो ऐसे में अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जियो सिनेमा की जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जहां पर क्रिकेट ही क्रिकेट आता है, वहां पर बाकी भी काफी सारे शोज चलते हैं, बाकी भी काफी ऑडियंस आती है। तो ऐसे में इतनी सारी चीजों को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते अब इन्होंने बताया है कि आईपीएल 2024 के लिए ये एक नई एप्लीकेशन को लॉन्च करते हुए नजर आ सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन होने वाली है ये प्राइमरीली सिर्फ क्रिकेट यूजर्स के लिए ही होगी। तो उसके बाद जो वर्ल्ड कप वगैरह है, इसके साथ ही आईपीएल है, वो आप लोगों को सिर्फ उसी एप्लीकेशन के ऊपर लाइव देखने को मिलेगा। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है रविचंद्रन अश्विन के रिगार्डिंग, जहां पर करेंटली भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सीरीज चल रही है उसमें रविचंद्रन अश्विन हमें भारत की टीम की साइड से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन अपनी गेंदबाजी करते हैं उनको एक काफी ज्यादा टैक्टिक्स वाला गेंदबाज माना जाता है, यानी कि रविचंद्रन अश्विन काफी ज्यादा अपने दिमाग से गेंदबाजी करते हैं। तो ऐसे में इन्हीं सभी रीजंस के चलते हुए अब इरफान पठान ने बताया है कि वो अक्षर पटेल की जगह रविचंद्रन अश्विन को अपनी टीम में ज्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं, क्योंकि इनके हिसाब से अश्विन न सिर्फ एक अच्छे गेंदबाज हैं बल्कि इवन वो प्रेशर की सिचुएशंस में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, और नंबर 8 के हिसाब से तो अश्विन कहीं ज्यादा बेहतरी बल्लेबाज हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है भारतीय पिचेस के ऊपर उनका एक्सपीरियंस, क्योंकि जब भी अश्विन भारतीय पिचेस के ऊपर खेलते हैं तो उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा शानदार रहा है। इसके साथ ही वो अपने दिमाग से भी बल्लेबाज को काफी ज्यादा परेशान करते हैं, और टीम में लीडरशिप के तौर पर भी रविचंद्रन अश्विन एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। तो ऐसे में इनके हिसाब से रविचंद्रन अश्विन और उनके साथ ही जडेजा और इवन कुलदीप यादव तीनों ही प्लेयर्स को भारत की टीम अपनी प्लेइंग 11 में खिला सकती है। कमेंट करके आप लोग बताना कि आप लोग इनकी इस बात से एग्री करते हैं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट, और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है पंजाब किंग्स की टीम की साइड से, जहां पर हमने आपको बताया था कि सीएसके की टीम के रिलीज होने वाले प्लेयर्स के लिस्ट में हमें तुषार देशपांडे का नाम भी देखने को मिला था। और अब ऐसे में रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि पंजाब किंग्स की जो टीम है वो तुषार देशपांडे को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। दरअसल पीवीकेएस की टीम ने सीएसके की टीम को ऑफर दिया है कि ये तुषार देशपांडे को अपनी टीम में ट्रेड करना चाहते हैं। और ऐसे में अभी करेंटली जो सेकंड वाली ट्रेड विंडो चल रही है
अगर उसमें तुषार देशपांडे पीबीकेएस की टीम में ट्रेड होते हैं तो फिर पीबीकेएस की टीम अगर चाहे तो इनको कैश के थ्रू ट्रेड कर सकती है, या फिर हो सकता है कि किसी प्लेयर को सीएसके में भेज दिया जाए और सीएसके से तुषार देशपांडे को डायरेक्टली अपनी टीम में ट्रेड कर लें। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी के रिगार्डिंग। वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग हम सभी लोगों को 5 अक्टूबर को देखने को मिलने वाली है, जिसका मतलब है इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी होगी वो हमें 4 तारीख को होते हुए नजर आएगी, और इस 4 तारीख को होने वाली ओपनिंग सेरेमनी का वेन्यू भी अब डिक्लेयर कर दिया गया है। दरअसल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक बार फिर से इसकी ओपनिंग सेरेमनी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर काफी सारे लोगों को बैठने की फैसिलिटी मिल जाती है, सबसे बड़ा ग्राउंड है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो आपको इस ओपनिंग सेरेमनी को इनॉग्रेट करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की 8वीं और आखिरी अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की साइड से, जहां पर आरसीबी की टीम की साइड से अपडेट निकल कर आई है कि ये अब मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके से लास्ट के 2-3 सालों में ग्रो किया है फाफ डू प्लेसी के बाद, ये टीम मोहम्मद सिराज को भी कैप्टनसी की तरफ देख रही है, क्योंकि सिराज की उम्र अभी काफी ज्यादा कम है और आने वाले टाइम में मोहम्मद सिराज आरसीबी की टीम की कैप्टनसी आप लोगों को करते हुए नजर आ सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो ही तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।